ऐसी तपती गर्मी और बिजी शेड्यूल के चलते गार्डनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है पौधों को सही टाइम पे पानी देना, जिसका सॉल्यूशन नेटाफिम ने ला दिया है एरोफ्लो गार्डन इरिगेशन किट के थ्रू, जिसको अनबॉक्स करते ही मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ही पसंद आई। दूसरे गार्डन इरिगेशन किट के कंपेरिजन में ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और इसके अंदर एक मैनुअल दिया गया है जिसको फॉलो करके आप इजिली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने गार्डन में। सो इसके बॉक्स के अंदर है मेनली पहला है इरिगेशन पाइप, उसके बाद है 5 mm बार्ब कनेक्टर और इसके बाद है एंड कैप जो कि पाइप को एंड करने के लिए, और ये है डमी प्लग वाटर को रोकने के लिए, ये है एरोफ्लो और दूसरा है टैप कनेक्टर और तीसरा है ये एल्बो जो कि 16 mm बार्ब एल्बो है, दूसरा है 16 mm बार्ब टी, ये है 16 mm बार्ब निपल और उसके बाद है ड्रिपर पंच जो आपको पास में दिख ही रहा होगा जिससे हम ड्रिपर पाइप को होल करेंगे और ये है ड्रिपर पाइप। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले हम इस पाइप को खोल लेते हैं और जहाँ जहाँ आपको इसको फ्लो करवाना है, मतलब जहाँ जहाँ आपके पॉट्स रखे हैं वहाँ, उसके बाद जहाँ से ये टर्न हो रहा है ये आप देख रहे हैं 16 mm बार एल्बो, इसको फिट कर देना है और फिर एंड में जो मैंने कहा था एंड कैप जहाँ से पानी आपको रोकना है एंड करना है उसमें ये इस तरीके से आपको फिट कर देना है ताकि पानी रुक जाए, और इस तरीके से फिट करने के बाद पानी एक बूंद भी वहाँ से बाहर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, मुझे पसंद आया। और उसके बाद देखिए ये यहाँ से एल्बो लगाना ज़रूरी है तो मैं इस तरीके से एल्बो को दोनों तरफ से फिट कर दूंगा। अब मैंने सारा जो इरिगेशन पाइप है वो फिट कर लिया है, अब इस पे ड्रिपर पाइप भी फिट करना होगा। ड्रिपर पाइप कैसे फिट करना है, जैसे ये देखिए ये पॉट है और इसके लेफ्ट साइड में मैं ड्रिपर पंच से इसको पंच कर दूंगा, होल हो जाएगा। जैसे ही होल होगा उसमें से अगर पानी चल रहा होगा तो पानी निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि होल हो चुका है, और उसमें ये बार्ब कनेक्टर उसमें फिट कर दूंगा और ऊपर से जो ड्रिपर पाइप है, जो पतला वाला ड्रिपर पाइप है उसको कुछ इस तरीके से, जैसे आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, इस तरीके से फिट कर दूंगा। इसमें फिट करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है, एरोफ्लो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना पहले वीडियो में, तो एरोफ्लो फिट करना है। एरोफ्लो से आपका जो पानी का फ्लो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट रहेगा और धीरे धीरे जड़ों को पानी मिलता रहेगा। तो पहले तो इसको मेजरमेंट करके मैंने काट लिया देखिए, और ऐसे काटने के बाद ही इसी पार्ट में एरोफ्लो लगाना है आप लोगों को। तो एरोफ्लो लेने के बाद कुछ नहीं करना है, बस उसमें इंसर्ट कर देना है इस तरीके से। सो आपको यहाँ तक, इस जगह तक इसको पूरा अंदर तक डाल देना, इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करते ही अब पानी कैसे देता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने वैसे सारे पॉट्स में फिट कर लिया है। फिट करने के बाद इसका जो फ्लो है ना मुझे बहुत ही पसंद आया, सिर्फ 10 मिनट वो भी मैक्सिमम मैं सारे पानी दे रहा, और ये कनेक्टर याद है ना, ये कनेक्टर मैंने टैप के साथ फिक्स कर दिया। अब देखिए पानी किस तरीके से दे रहा है, ये देखिए। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही दूंगा, अमेजोन में ये अवेलेबल है। मैंने 50 पॉट्स के लिए लिया है, आप चाहे तो 100 पॉट्स के लिए भी ले सकते हैं या फिर उससे कम का भी ले सकते हैं, तो आपके चॉइस के ऊपर वो डिपेंड करता है, आपके पास कितने गमले हैं, आपके गार्डन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे तो मुझे पाइप का जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा ही मिला, और सबको एक्स्ट्रा ही मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर नीचे होता है, चाहे वो ड्रिपिंग पाइप हो या फिर वो इरिगेशन पाइप हो। तो इस तरीके से देखिए पॉट्स में सारे ऑलमोस्ट पानी भर गए, और ये अभी तो 2 ही मिनट है, मैंने आपके सामने ही ऑन किया, ये मेरे 50 के 50 प्लांट्स को एक साथ पानी मिल गया।